यूपीपीसीएस या यूपीएससी या जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनकी तैयारी कैसे करें, उससे संबंधित ये दूसरा वीडियो है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है। ठीक है, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो इसको देखने का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बताया है कि तैयारी की शुरुआत कैसे करें, शुरुआत के 2-3 महीने कैसे गुजारें अपने। ठीक है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जब तक उन पे काम नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो आज जो है मैं पूरे हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक की बुक्स बताऊंगा, पर्टिकुलर बुक्स क्या है। उसके बाद जो है मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो आपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो किस तरीके से आपको फायदा कर रहा है, किस तरीके से आपको यहाँ पे बचा रहा है ज्यादा ना पढ़ने से। हमें कम पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है, इतना ज्यादा चीजें पढ़नी नहीं है, भ्रम है ये, पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा है जो लोगों द्वारा फैलाया गया है, जो असफल हो जाते हैं या फिर जो लोग कभी तैयारी नहीं करते, यहाँ तक कि आपके माँ बाप, ठीक है, बहुत सारे लोगों के माता पिता होते हैं जो कभी तैयारी नहीं करते, या समाज में आपके रिलेटिव आपके रिश्तेदार भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कभी तैयारी नहीं करते, लेकिन फिर भी उन लोगों के पता नहीं किसने बता दिया उनको, किससे सुन लिया उन्होंने कि आई एस पी सी एस में बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक भ्रम है, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें कम से कम पढ़ना, और कम से कम आप तभी पढ़ेंगे जब तक आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से जान नहीं लेंगे। तो चलिए मैं बुक्स बता रहा हूँ, बुक्स आपको तभी खरीदनी है जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लें, समझ लें। ठीक है, उससे पहले बुक्स खरीदते हैं तो कोई फायदा नहीं है, घर पर रखिए, रखने के बाद रोज अगरबत्ती लगाइए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस आपसे बोला था कि आप देखेंगे, पीसीएस का भी सिलेबस देखिए। यूपीएससी में जो टोटल पिलर हैं, जितने पिलर्स पे हमें काम करना है, लगभग 11 से 12 पिलर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, कि 11-12 पिलर्स ही हैं जो पूरे सिलेबस को कवर कर देते हैं। जैसे कि जीएस का पेपर 1 जो होता है, एक तो पहले पेपर, एक एससी का पेपर होता है। ठीक है, एससी के लिए भी बुक बहुत जरूरी है। देखिए, एससी बुक की चीज नहीं है, पहली चीज, जनरल स्टडी का समान अध्ययन का इसमें इतना बड़ा टॉपिक है कि यदि समान अध्ययन को बड़े अच्छे से बड़ी ईमानदारी से आप पढ़ाई करें तो आपके लिए इससे बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे एक लिखने की शैली होती है, निबंध एक विधा है। ठीक है, हिंदी साहित्य की निबंध एक विधा है, इस विधा को लिखना आप जान जाए, इसके अलावा आप पूरी तरीके से अच्छे से लिख पाएंगे। तो पहले समान अध्ययन को अच्छे से पढ़िए। हाँ, इससे के लिए आपको अच्छी बुक कोई चाहिए तो वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी बुक आई हुई है मार्केट में, वो बुक मैं आपको जरूर बता देता हूँ। बुक का नाम है दृष्टि पब्लिकेशन की है। मैं यहाँ पे बार बार इस चीज को कहूंगा कि मैं किसी भी पब्लिकेशन का और या किसी भी बुक का यहाँ पे मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन जो अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ी है, जो मेरा अनुभव है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जब आप खुद पढ़ोगे आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि सर बुक कैसी है, बुक का लेवल कैसा है। ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक है, दृष्टि आईएएस एक संस्था है मुखर्जी नगर में, उसने एक बुक निकाली है जिसके राइटर है निशान जैन। निशान जैन से शायद आप संबंधित हो, हिंदी मीडियम में 13वीं रैंक आई थी उनकी, निशान जैन और विकास दिव्य कीर्ति सर, ठीक है, ये दो लोगों ने मिलकर बुक लिखी है निबंध दृष्टि के नाम से। निबंध दृष्टि के नाम से बुक है, इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक जो मैंने बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी निबंध पे, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ बुक है। इसको पढ़ने के बाद फिर आप किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपको, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो निबंध दृष्टि ले लीजिए, ये बहुत ही मस्ट बुक है, आपको आपका काम ये आसान कर देगी। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लिखना कैसे होता है। एक्चुअली में इसमें यही बताया गया है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री का, इकोनॉमी का या फिर पॉलिटी का, साइंस एंड टेक का कोई ऐसे ऐसे बना के, ऐसा नहीं। वो तो प्रीवियस ईयर जो इससे है वो लिख के उन्होंने बताई है, निशान जैन जी ने या फिर विकास सर ने भी बहुत सारी चीजें बताई है, लेकिन एक बार जब आप बुक पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी काम हो जाएगा आपका। दृष्टि पब्लिकेशन का निबंध मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम में ही है, अभी शायद इंग्लिश मीडियम में नहीं है ये, तो ये रामबाण औषधि है। ठीक है, मुखर्जी नगर में मिल जाएगा, नहीं मिले तो दृष्टि आईएएस की आप साइट पे जाके वहां से परचेज कर लीजिए, दिल्ली में तो मिल ही जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इंटरनेट पे सर्च कीजिए, शायद अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में भी ये चीजें अवेलेबल हो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्रीलिम्स में तो यूपीएससी या पीसीएस सबने एक ही लाइन में लिख दिया है भारत का इतिहास और उसका स्वतंत्रता आंदोलन, बस ये दो लाइनें लिख, एक लाइन लिख के उनको उन्होंने अपना पीछा छुड़वा लिया। लेकिन हिस्ट्री बहुत बड़ा है भारत का इतिहास, मतलब भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, स्वतंत्रता के उपरांत भारत, विश्व इतिहास भी जुड़ जाता है। ठीक है, कला एवं संस्कृति का भी टॉपिक जुड़ जाता है। तो इतिहास को कई भागों में तोड़ देते हैं। पहले प्राचीन भारत, प्राचीन भारत की जो बुक्स बोलूं उसे लिख लीजिएगा।
प्राचीन हुआ है भारत में सबसे पहले एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी बुक्स इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बुक से आपका एक बेस बनेगा। बार बार यूपीएससी में आप कोचिंग्स वगैरह भी आप करते हैं ठीक है, या फिर आप कहीं भी पढ़ते हैं देखते हैं एनसीईआरटी पढ़वाते हैं। एनसीईआरटी पढ़वाने का मतलब है कि जो अभी वही 6, 7, 8 की एनसीईआरटी ऐसी एनसीईआरटी बताई जाती है जो आप पढ़ चुके हो। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी तक जो पढ़ने की शैली थी या फिर अभी तक जो आपका तरीका था एग्जाम जो आपके होते थे या फिर हमारी शिक्षा पद्धति ही कुछ ऐसी है जो इंटर हाई स्कूल में हमने क्वेश्चन बैंक से पढ़ा, पढ़ने के बाद वही क्वेश्चन जाके वहाँ पे फंस गए और उन्हीं से काम हो गया। ऐसा नहीं है, यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, अपग्रेड होता है हर साल, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो ठीक है, यहाँ पे चीजें अपग्रेड होती है। यहाँ पे कोई पैटर्न पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए हमको चीजों को फिर से पढ़ना पड़ेगा जो चीजें वो बेस ही है। तो एनसीईआरटी में क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी दो प्रकार की, न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की आर एस शर्मा की बुक है, आर एस राम शरण शर्मा की बुक है, बिल्कुल मस्ट बुक है, पढ़ना है तो पढ़ना है ठीक है, गंभीरता से लीजिएगा, बहुत ही अच्छी किताब है मेरे ख्याल से, गागर में सागर है किताब। जब आप एक बार इसे पढ़ लेंगे इसके बाद एडवांस बुक कोई पढ़ेंगे, एडवांस बुक भी अभी बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है जो इसी बुक की, बहुत सारी चीजें दूसरे बुक में मिल रही है। एनसीईआरटी एक बार आप पूरी हर सब्जेक्ट की पढ़ लेंगे ना तो आपकी वही चीजें क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगे एडवांस बुक में। तो क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी प्राचीन भारत की राम शरण शर्मा की मिल जाएगी आपको ठीक है, मार्केट में पता कर लीजिएगा। ओल्ड एनसीईआरटी वैसे साइट में अवेलेबल नहीं है एनसीईआरटी की, तो आपको मार्केट में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हिस्ट्री की जो है प्राचीन भारत की ओल्ड एनसीईआरटी, और एडवांस बुक जो है प्राचीन भारत में वो है डीएन झा एन श्रीमाली, झा एन श्रीमाली की बहुत ही अच्छी किताब है, झा एन श्रीमाली की बुक है, बिल्कुल खरीद लीजिए ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी इसमें आप संशय मत रखिए, एक बार किताब पढ़ेंगे मजा आएगा आपको। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ के देख ली, जायन श्रीमाली से बढ़िया किताब मुझे कोई नहीं लगी। तो जायन श्रीमाली एक बार देख लीजिए आप, यदि आप नहीं पढ़ते। केसी श्रीवास्तव बहुत सारे लोग पढ़ने लगते हैं, मैं नहीं कह रहा कि केसी श्रीवास्तव खराब बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। केसी श्रीवास्तव में आप दक्षिण भारत का जो इतिहास दिया गया, साउथ इंडिया की हिस्ट्री, बहुत किताबों कम किताबों मिलता है वहां से वो पढ़ लीजिए, लेकिन आपको जो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है कुछ पढ़ना है तो आप डीएन झा से पढ़िए ठीक है। तो डीएन झा आपको लेना है, हिंदी कार्यान्वयन विभाग द्वारा निकाला जाता है, ज्यादा महंगी बुक नहीं है। इतिहास में बस दो ही किताबें ज्यादा है आपको प्राचीन भारत में, ये सब सामान्य अध्ययन के लिए बता रहा हूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले भी पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट वालों को तो ये पढ़ना ही है जो मैं सामान्य अध्ययन में बताऊँ, इसके बाद कुछ अतिरिक्त किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको प्राचीन भारत, ओल्ड एनसीईआरटी और डीएन झा इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये प्री और मेंस दोनों कवर करेगा, ऐसा नहीं कि केवल प्री ही कवर करेगा, मेंस भी कवर हो जाएगा इसमें। इसके बाद दूसरा आपका आता है हिस्ट्री में ही मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया के अंतर्गत भी एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है क्लास 11 की ही, सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी है, खरीद लीजिए बहुत ही अच्छी किताब है ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा। इसके बाद आधुनिक भारत में आना है, आधुनिक भारत, इसके अलावा एक एडवांस बुक भी बता देता हूँ आपको, एडवांस बुक हरिश्चंद्र वर्मा की ले लीजिए आप, एडवांस बुक हरिश्चंद्र वर्मा की आती है तो उससे काम हो जाएगा, मध्यकालीन भारत की एडवांस बुक हरिश्चंद्र वर्मा इनफ है। दो वॉल्यूम पे किताब होगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जीएस कवर हो जाएगा, ऑप्शनल वालों के लिए तो काम हो ही रहा है। तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत के लिए फिर एक एनसीईआरटी, इसके लिए पढ़ना है आपको ओल्ड एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ की ओल्ड एनसीईआरटी। अभी हिस्ट्री में मैं तीनों ओल्ड एनसीईआरटी आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की है, राइटर का नाम है बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी आधुनिक भारत के नाम से टाइटल से ही बुक आती है। अब इसमें एडवांस बुक यदि आपको पढ़ना है तो एडवांस बुक बीएल ग्रोवर की एक बुक आती है, बहुत अच्छी है, आधुनिक भारत का इतिहास बिल्कुल से पढ़िए ठीक है। और इसके अलावा एक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष अलग से टॉपिक जोड़ा है यूपीएससी ने और पीसीएस ने भी जोड़ा है प्रीलिम्स में, और मेंस में तो पूछता है, मेंस में भी अलग से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से, तो इसके लिए बिपिन चंद्र की आती है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, उसको ले लीजिए तो कहीं ना कहीं पे बस इसमें काम हो जाएगा। आधुनिक भारत की ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की, इसके बाद बीएल ग्रोवर, और इसके बाद तीसरी बुक बिपिन चंद्रा की स्वतंत्रता संघर्ष, ये सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी। आप जाकर के हिस्ट्री के तीन सेक्शन मैंने बता दिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत।
अब आते हैं स्वतंत्रता के उपरांत भारत, क्योंकि ये आपके मेंस में सिलेबस में है, आप सिलेबस देखिए मेंस का, वहां पर स्वतंत्रता के उपरांत भारत है। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में एक आती है रामचंद्र गुहा की बुक, रामचंद्र गुहा, ठीक है, गांधी के बाद भारत, तो आप जो है रामचंद्र गुहा की बुक ले लीजिए, काफी अच्छी बुक है, काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हिस्ट्री में ही, मैं मेंस का भी टॉपिक जोड़ दूं, विश्व इतिहास भी पूछा जाता है। तो विश्व इतिहास में जीएस वालों के लिए दीनानाथ वर्मा की एक पतली सी बुक आती है, दीनानाथ वर्मा, ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है, एक बार ले लेंगे, पढ़ेंगे, मजा आएगा, बिल्कुल पतली सी है, इतिहास पूरा उन्होंने सिलेबस के आधार पर ही कवर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से इतिहास की मैंने जो बुक्स आपको बताई, इन बुक्स को जाइए मार्केट में लीजिए, आपका काम इतने बुक्स से हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक बचता है कि आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम प्रकाशन कला एंड संस्कृति के नाम से एक बुक निकालता है, उतना पढ़िए, खत्म करो, ठीक है। जिसको बहुत मानो कि बहुत अतिरिक्त पढ़ना है, जब कुछ करना है, तो मुझसे फिर बाद में कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं और भी किताबें बता दूंगा, मेरे पास और भी किताबों की लिस्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा ना पढ़ें, एक ही किताब को एक विषय पे 10 किताबों की जगह एक ही किताब को 10 बार पढ़ें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, रिवीजन होगा, क्योंकि यूपीएससी का मतलब नहीं कि एक ही बार आपने सिलेबस कवर कर दिया, प्रीलिम्स से पहले पहले आपको 2 बार रिवीजन करके जाना है, तभी जाकर के आप वहां पर अपने आप को साध पाएंगे, ठीक है, आपके चीजें मेमोराइज हो पाएगी, इतना चीज बड़ा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को पढ़ने के लिए एक बार में कैसे पूरा सिलेबस की किताबें सारी चीजें याद हो जाएंगी, रिवीजन बहुत जरूरी है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हिस्ट्री का काम खत्म, दूसरे नंबर पे आते हैं इंडियन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने बता दिया, आर्ट एंड कल्चर पे स्पेक्ट्रम प्रकाशन की कला एवं संस्कृति काम कर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी के टॉपिक पे, इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा हिस्ट्री पे और बात करता हूँ, 26 जनवरी को परेड होती है, ठीक है, 26 जनवरी को भारत में राजपथ में परेड होती है, परेड में झांकियां निकाली जाती हैं, आप देखते होंगे हर राज्य की अपनी एक झांकी होती है, तो आप 26 जनवरी की परेड को जरूर देखें, बहुत बार जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की झांकी, वहां से वहां की लोकल जनजाति निकाल जनजाति दिखाया गया, ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए कि गुजरात की झांकी, वहां से गिरी अभ्यारण्य दिखाया गया, या कुछ भी ऐसा आर्ट एंड कल्चर वहां का दिखाया जा रहा है, तो यूपीएससी करंट के टॉपिक उठा के देख लेता है, वो भारत सरकार द्वारा या उस राज्य द्वारा भेजी गई झांकी होती है, इसलिए उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हिस्ट्री में इसको भी ध्यान में रखें, हिस्ट्री करंट से आप जोड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे हिस्ट्री को भी करंट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अब हिस्ट्री में भी जो करंट में कुछ चीजें आ जाए, कहीं उत्खनन होके कोई चीजें मिल जाए, पुरातात्विक अवशेष मिल जाए, और एक काम और कीजिएगा, जब कभी आप घूमने टहलने का मन हो, पढ़ने के बाद बोर हो रहे हो, इतिहास आपने पढ़ लिया हो, तो एक बार दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, जरूर जाए, राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय है, नेट में एक बार सर्च करेंगे मिल जाएगा, वहां पे जो चीजें आप किताब में पढ़ रहे हैं ना, वहां पे वो चीजें वहां पे रखी हुई है, जिनके आधार पर किताब लिखी गई है, तो एक बार जाके उनको प्रत्यक्ष रूप में देखें, अशोक का शिलालेख आप किताब में पढ़ते हैं, वहां पे जाके प्रत्यक्ष देखेंगे, वहां पे अशोक का शिलालेख जाते हैं इंटर करते ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक सारी चीजें, जहांगीर के चित्र, पेंटिंग्स वगैरह सब प्रत्यक्ष रूप से विजुलाइज देखेंगे, बड़ा मजा आएगा आपका, मतलब कि ये समझ लीजिए कि आपकी 50% तैयारी वहां से मजबूत हो जाएगी, एक बार उनको विजुअली देख लेंगे तो एक बार नेशनल म्यूजियम समय मिले जाएं, और जाने के बाद ऐसे नहीं घूम के टहला, सुबह सुबह जाइए 7 बजे, और शाम को जब तक बंद ना हो जाए, तब तक सूर्यास्त होने से पहले पहले खुला रहता है 5-6 बजे तक, तब तक उसमें समय दीजिए, पूरा जो है एक एक चीजें जो लिखी हैं मैक्सिमम चीजें पढ़िए जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, एक बार सिलेबस पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं महत्वपूर्ण, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो वहां पर जाकर के ये काम करेंगे तो इतिहास आपका मजबूत हो जाएगा, जितनी किताबें मैंने बताई, और एक बार नेशनल म्यूजियम, इतिहास का काम खत्म। अब आते हैं इंडियन सोसाइटी, ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी मेंस यूपीएससी में, पीसीएस में अभी नहीं जोड़ा गया, तो इसके लिए एक बुक आती है श्यामा चरण दुबे की, ठीक है, इसके लिए एक बुक है श्यामा चरण दुबे, मैं एक बार और इसको कंफर्म कर, हाँ श्यामा चरण दुबे की बुक आती है, इसको ले लीजिए, काम खत्म, ठीक है, यहां से हो जाएगा। एक एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी भी है, क्लास 11 और क्लास 12 की, दो एनसीईआरटी, एक भारतीय समाज के नाम से है, ठीक है, तो जाकर के आप नेट पे एनसीईआरटी की साइट पे, न्यू एनसीईआरटी जितनी बोलूं वो एनसीईआरटी की साइट में अवेलेबल है, तो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 11 क्लास 12 की, इनफ है, इन दोनों एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, जिसका ज्यादा पढ़ने को मन है श्यामा चरण दुबे को ले और पढ़ ले, ठीक है, भारतीय समाज खत्म।
ज्योग्राफी बहुत बड़ा सेक्शन है, ज्योग्राफी से ज्योग्राफी को भी तीन भागों में तोड़ सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक ही बुक, दो बुक बता देता हूँ। एक बुक है महेश कुमार वड़वाल, ठीक है, एडवांस बुक है महेश कुमार वड़वाल, विश्व इतिहास, विश्व भूगोल काफी अच्छा सारा कवर हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए दो किताबें बताऊंगा मैं यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के लिए। एक तो पेरियार की बुक आती है, ठीक है, ये पेरियार की है भारत का भूगोल, ठीक है, इसमें काफी अच्छे से इन्होंने समझाया है, ये ले लीजिए। और एक बुक आती है वाणी प्रकाशन की, वाणी प्रकाशन की भारत का भूगोल के नाम से है, बौद्धिक प्रकाशन, एसके ओझा की बुक है, उसको आप ले लीजिए, परीक्षा वाणी के नाम से आती है, वो ले लीजिए। तो और भौतिक भूगोल इसी में कंप्लीट है, इसमें भौतिक भूगोल महेश कुमार वड़वाल ने भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से बुक है, सब कुछ कंप्लीट होगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी बची है अभी, एनसीईआरटी क्लास 11 की आती है भौतिक पर्यावरण के नाम से, उसको ले लीजिए, क्लास 11 की भौतिक पर्यावरण एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद क्लास 12 की, ये सब न्यू एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी में हमें न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 की पढ़नी है, ठीक है। क्लास 11 में ये भारत का भूगोल के नाम से आती है, क्लास 12 में भी है। तीन ओल्ड एनसीईआरटी भी है ज्योग्राफी की, 6, 7, 8 की ओल्ड एनसीईआरटी, देश एवं उसके निवासी भाग 1, भाग 2, भाग 3 इसके नाम से आती है, इसको ले लीजिए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी की तीनों सेक्शंस मैंने बता दिए, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल, सब कुछ कवर हो जाएगा जितनी बुक्स मैंने बता दी है। एनसीईआरटी एडवांस बुक में परीक्षा वाणी और पेरियार इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक ही बुक है, वो उसका नाम है महेश कुमार वड़वाल, भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से बुक है, सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस, ये भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है मेरे ख्याल से, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन गलत हो रहा है तो रेस से बाहर है। सबसे मजबूत पोर्शन होना चाहिए किसी भी यूपीएससी के छात्र का, मैं नहीं कह रहा ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अभी इस बार का पेपर देखिए 2016 का 2017 वाला यूपीएससी का 21 से 23 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिकल साइंस से, समझिए क्या बुरी हालत हुई होगी। ऐसा हो यूपीएससी का तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता रहता है, कभी किसी सेक्शन से ज्यादा, कभी किसी सेक्शन से ज्यादा, फिर भी पॉलिटी मजबूत हो, मेरे ख्याल से आमतौर पर पॉलिटी मजबूत भी होती है। तो पॉलिटी के लिए प्री के लिए तो एक ही बुक, रामबाण लक्ष्मीकांत, काम खत्म, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक से सब परिचित है, एक बुक है लक्ष्मीकांत, ये आपका सारा काम कवर करा देगी, तो लक्ष्मीकांत आपको ले लेनी है। लक्ष्मीकांत के अलावा क्लास 11th और क्लास 12th की भी है, क्लास 11 और 12th की न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, एक है भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, क्लास 11th की एनसीईआरटी ले लीजिए, रीड करके फेंक दीजिए, बहुत ज्यादा पतली बुक है, एक बार पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी मजा आएगा, उसमें संविधान क्या है, कैसे संविधान वर्क करता है, बहुत ही अच्छे समझाया गया है, ठीक है। और दूसरी बुक आप ले लीजिए, इसमें एक आती है राजनीतिक सिद्धांत, बहुत इसी में लिखने में बड़ी मदद करेगी किताब, इसमें आपको धर्म निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है, इन सब के बारे में बड़े डिटेल से बताया गया है। तो दूसरी किताब आपको वो लेनी है और ये लेनी है। अब काम सिर्फ इससे नहीं बनेगा, लक्ष्मीकांत से, बहुत लोगों को लगता है कि लक्ष्मीकांत इनफ है, ये पीटी के लिए इनफ है, बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं है, मेंस के लिए आपको अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस के लिए जो मेरा अनुभव, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, वो है एक बुक है, सिर्फ एक ही बुक है आपको जो अतिरिक्त पढ़नी है, ये बुक है हमारी संसद, ठीक है, किसकी है ये बुक, ये बुक है सुभाष कश्यप जी की, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप, कुछ क्वेश्चन इसके अभी पॉलिटी के मेंस के क्वेश्चन देखिएगा, मैंने पहले क्वेश्चन पेपर की शर्त रख दी है कि पहले क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो पता चलेगा ये तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इस किताब से, बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ से निकल के सीधे सीधे लाइन ही उठा के रख देता है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें छांटे भी हैं जो आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो इस किताब की बिल्कुल डायरेक्ट लाइन ही उन्होंने उठा के रख दी है, तो इसलिए ये हमारा संविधान जो है बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है। एक प्रश्न आया था संसदीय विशेषाधिकार को लेकर के, ठीक है, संसदों को विशेषाधिकार जो मिले हैं उनका अभी तक कोडिफिकेशन नहीं किया गया, यानी उनको एक तरीके से पूरी तरीके से बनाया नहीं गया, अब ये क्वेश्चन कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सुभाष कश्यप में मिलेगा, इसका जो है पेज नंबर 214 है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लास्ट में दिया गया है विशेषाधिकारों को संहिता बद्ध करना है, पूरे क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। कई जगह पे हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी ये सब बुक्स पढ़ती है, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं वो सब यही किताबें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको हमारी संसद पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, यदि मेंस में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत हो गई, हमारी संसद हो गई, यहाँ से चीजें कवर हो जाएंगी, पॉलिटी की मैक्सिमम चीजें, इसमें सोशल जस्टिस भी कवर हो जाएगा,
सोशल जस्टिस के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद। हाँ, सोशल जस्टिस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, वो जब इकोनॉमी वाला जो आप सेक्शन पढ़ेंगे वहां से हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है, वहां से भी काफी काम हो जाएगा, ठीक है, वो चीजें भी मैं बता दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। इसके अलावा पॉलिटी में PRSIndia.com एक साइट है, साइट का नाम है PRSIndia.com। ये साइट बहुत अच्छा काम कर रही है। इस साइट पे आपको करंट जितने भी विधेयक पास होते हैं, बिल बनते हैं, उन सारे बिल्स, उन सारे विधेयक को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा उसका, तो ये साइट आपको फॉलो करनी है। पॉलिटी में अब करंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये काम करना है रेगुलर। अब आते हैं सोशल जस्टिस। मैंने बताया कि सोशल जस्टिस के आधे मुद्दे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ई प्रशासन, ये सारी चीजें, ये कुछ इथिक्स के भी मुद्दे हैं जो सोशल जस्टिस में है। इसके बाद गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, ऐसी प्रॉब्लम भी है। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी में बहुत सारा पूरा मैं बताऊंगा। एक बुक है मिस्टर एंड पुरी की, उसके लास्ट के चैप्टर यही है, उनको पढ़ना है। तो ओवरऑल सोशल जस्टिस भी कवर हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। नेक्स्ट है IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बहुत बड़ा विषय बन गया जब से मोदी सरकार बनी। मोदी जी ने पूरा विश्व का भ्रमण कर दिया और दो तीन बार रिवीजन भी करने में लगे हुए हैं। कई बार अमेरिका हुआ है, फिर जर्मनी, कहीं भी फ्रांस, रिवीजन कर रहे हैं, बार बार फिर वहां जा रहे हैं। पता चल रहा है, आप देखिए इसराइल 20 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया, इस तरीके की चीजें अब सुनने में आ रहा है। तो ओवरऑल ये है कि IR एक बहुत बड़ा सेक्शन बनता जा रहा है, लेकिन IR की आपको बेसिक करंट का टॉपिक तो है नो डाउट, लेकिन इसकी एक बेसिक अवधारणा भी पता होनी चाहिए। इसके लिए एक ही किताब है, पुष्पेश पंत टाटा मैग्रा हिल प्रकाशन की है। टाटा मैग्रा हिल ही ये किताब निकालता है आपका, पॉलिटी की जो बुक है ना लक्ष्मीकांत की, टाटा मैग्रा हिल ही निकालता है। तो वैसे ही ये भी बुक आपको पढ़नी है, पुष्पेश पंत की IR की बुक। यदि आपने पुष्पेश पंत कर लिया, काम खत्म, कुछ नहीं बचेगा आपका, पुष्पेश पंत, ठीक है। तो IR की अवधारणाएं और बहुत सारे देशों के साथ संबंध भी इन्होंने बता दिए, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत चाइना संबंध, पूरी अवधारणा, पूरा सब कुछ इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया है। तो IR आपको यहां से ले लेनी है, ठीक है। तो आपका मैंने GS का पेपर 1 बता दिया, GS का पेपर 2 बता दिया, SA का टॉपिक बता दिया, बाकी के जितने दो पेपर बचे हैं आपके, एक इकोनॉमी का बचा, एक एथिक्स का बचा, ठीक है। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट बता, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स बताऊंगा। धन्यवाद।